हरिओम पेंट, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की कलर करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को बहुत दिन पहले बनाए थे, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बनाए थे इस मूर्ति को। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ये वीडियो बहुत पहले ही डाल चुका होता दोस्तों, क्योंकि बीच में गणेश चतुर्थी रह गया था, तो इसलिए वहां पे बहुत सारा काम था, तो मैंने ये सब काम करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। बस गणेश जी का चतुर्थी पे वहाँ पर ध्यान रहता था, तो इसलिए सोचा कि गणेश चतुर्थी के बाद इसी को कलर किया जाए। तो अभी हम पहले तो व्हाइट कलर से इस तरह से पेंट कर देंगे। यदि आप लोगों के पास व्हाइट कलर ना हो तो यहाँ पे चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चूने का ही यूज़ किया हूँ दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों, अभी हम कलर कृष्णा भगवान जी को करने के लिए यहाँ पे पहले तो ब्लू कलर लेंगे और थोड़ा सा व्हाइट और थोड़ा सा रेड करेंगे। इन तीनों कलर को मिला देंगे तो कुछ इस तरह की कलर हो जाएगा। तो इसी को हम श्री कृष्णा जी को शरीर में पेंट कर देंगे। तो इस तरह से पेंट करते जाएंगे दोस्तों। तो और थोड़ा बहुत भी आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इस तरह की मूर्ति बनाने का वीडियो देखना थोड़ा बहुत भी आप लोग को पसंद आ रहा हो या सीखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इस तरह की वीडियो यहाँ चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए, इस तरह से बने रहेगा अंत तक। मैं मिलता हूँ आप लोग को वीडियो के अंत में। और यदि आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से बने रहेगा अंत तक।
दोस्तों सारे तरफ कलर कर देने के बाद अभी आंखों को थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं हमारा कृष्ण भगवान जी की फाइनल लुक। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो को शुरू से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।